सीधा चलते हैं बागपत के नंगल गांव की तरफ, जहां पर सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं कई परियोजनाओं के बारे में। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जो करेगा उसकी कीमत ब्याज सहित उसको चुकानी पड़ेगी। किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी। जो करेगा तो जीवन भर पछताएगा भी, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है, इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए। और उसी अवसर के लिए रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की चीनी मिल, जिन्हें उनकी कर्मभूमि की चीनी मिल, कभी नहीं किसी ने ध्यान दिया। हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार ने छपरौली चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूँ, बागपत की चीनी मिल के लिए भी सतपाल सिंह जी ने भी कहा है, इससे पहले भी हमारे सामने उन्होंने कई बार प्रस्ताव रखा है, हमने कहा हम एक एक करके सभी को लेने जा रहे हैं। चीनी मिल के उतना एक्सपेंशन करेंगे, गन्ना की उपलब्धता, और मैं आज देख रहा था क्या शानदार गन्ना है। और भाइयों बहनों, याद रखना, जब हम 2017 में आए थे तब 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। आज तो हम हर साल गन्ना मूल्य का भुगतान करा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना काल खंड में भी देश और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, हमने चीनी मिलें तब भी चलाई कि हमारा अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, गन्ना मूल्य का हर हाल में भुगतान होगा, अन्यथा आरसी कटने की तैयारी हम लोगों ने उन लोगों की कर दी है जो लोग गन्ना मूल्य का भुगतान, फिर हम लोग स्वयं ही सारी चीनी जब्त करके उस चीनी मिल को बेच करके उन चीनी गन्ना जितना भी चीनी होगी उसको बेच करके गन्ना मूल्य का भुगतान हर हाल में करवाएंगे। हर हाल में कराने की व्यवस्था कर रखी है, पूरी व्यवस्था, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के साथ में है। और बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य, योगेश दामा ने भी मुझे प्रस्ताव दिया था। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, हमें विकास के लिए कार्य करना है। आज आप देखिए ना, पहले कोई सोचता था यहां हाईवे बनेगा, दिल्ली बड़ो देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा, एकदम 2 घंटे के अंदर इस दूरी को तय कर देंगे। यह विकास लाएगा, डेवलपमेंट, रोजगार सृजित करेगा, नौजवानों के प्लान को रोकेगा, घर पे ही लोगों को कार्य मिलेगा, यहां की जमीन के दाम आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली से बागपत होते हुए सहारनपुर वाला मार्ग विवाद था, वर्षों से विवाद था, कोर्ट में मामला चल रहा था। हमने कहा न्यायालय का मामला जब आएगा तब आएगा, पहले काम करो, सड़क बना दो, बाकी पैसा जो होगा देखा जाएगा, भुगतान करेंगे। लेकिन पब्लिक को क्यों परेशान होने दे, ये सरकार और कॉन्ट्रैक्टर जो देगा, न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला देगा, हमारे पक्ष में देगा तो हम पैसा ले लेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में देगा भुगतान करेंगे, देखेंगे, लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आया हूं यहां पर। बागपत का नौजवान जब ऊर्जावान है, आप सोचिए सतपाल सिंह अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या एक पुलिस कमिश्नर हो पाए होते क्या? लेकिन आज भी उन्होंने पुलिस की भाषा बोलनी बंद नहीं की है, आप सांसद हैं, सांसद के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के लिए जूस में है। लेकिन यहां पे आपके पूर्वजों ने कॉलेज बनाया तो कॉलेज के माध्यम से यहां के नौजवान पढ़ लिख गए, विकास कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ दुनिया को देखा है, तो वो विकास यहां भी आना चाहिए। और विकास इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसीलिए कहा है कि जनता वैदिक कॉलेज
अगर जमीन के मानक पूरे हैं और प्रबंधन तैयार है, वे प्रस्ताव दे दें, सरकार को सौंप देंगे, तो सरकार किसी को एक विश्वविद्यालय बना देगी। भाइयों बहनों, ये विश्वविद्यालय अगर बन जाएगा, नए विषय आ जाएंगे, सारे विषय जो चल रहे हैं इसको तो हम ऐसे ही चला देंगे, ऐसे ही चलेगा, साथ साथ नई चीजों को भी समावेश कर देंगे बागपत के लिए, आसपास के जनपदों के लिए। अब उत्तर प्रदेश, पहले चरण में हम लोग जब आए थे हमारे पास 6 कमिश्नरी ऐसी थी जिसमें एक भी विश्वविद्यालय नहीं था। भाइयों बहनों, आज के दिन पे सभी कमिश्नरी के लिए हमने एक भी विश्वविद्यालय खोल दिया है, हर कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय। और अब हम लोग चल रहे हैं जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, बागपत के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए बहुत शीघ्र आने वाले हैं। आज को चूंकि बड़ोक में कार्यक्रम था तो आज इसलिए बड़ोक में कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बागपत के लिए भी तो कुछ चाहिए था, तो बागपत में भी आएंगे भाइयों बहनों, करेंगे। तो बागपत में बड़ोद में विश्वविद्यालय होना बहुत आवश्यक है, यहाँ का प्रमुख कस्बा है, विकास के नए आयाम खोलेगा, आधुनिक विषयों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, नौजवानों को और जगह नहीं जाना पड़ेगा, हमारा युवा यहीं पे अच्छी शिक्षा लेगा। और इसी को लेके आपने देखा होगा, अभी हमने बेटियों को टैबलेट दिए हैं, स्मार्टफोन दिए हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, किसी भी प्रकार की कोचिंग की तैयारी करने के लिए, डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ये टैबलेट स्मार्टफोन उनके लिए सहायक के रूप में काम करेगा। सारा प्रोग्राम उसके साथ जोड़ करके उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्युदय कोचिंग चलाई जा रही है, हमारा नौजवान कोचिंग के लिए उसको कहीं देश और दुनिया में नहीं भटकना पड़े, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उसको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। और उसको ये उपलब्ध करवाने के लिए आज प्रदेश में हम 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य कर रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को भाइयों बहनों, ये 2 करोड़ लोग, ये 2 करोड़ युवा तकनीकी दृष्टि सक्षम हो जाएगा, और तकनीकी दृष्टि जब सक्षम होगा तो भाइयों बहनों इसका लाभ देश को मिलेगा, समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ने की तैयारी होगी। और उसी लिए हम चाहते हैं कि जनता वैदिक कॉलेज जमीन की भूमि की सभी मानकों को अगर पूरा करता है, प्रबंधन प्रस्ताव बनाकर